रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अर्जुन कपूर के घर में मां मोना की यादें बसी हैं, नहीं करते घर में कोई बदलाव। नीतू कुमार इश्कजादे, गुंडे, दो स्टेट्स और तेवर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके अर्जुन कपूर बॉलीवुड के उभरते स्टार किड्स में से एक हैं। अर्जुन प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना कपूर के बेटे हैं। उनका घर जुहू मुंबई में है। इस घर का इंटीरियर उन्होंने अपनी मां मोना और बहन अशुल्ला कपूर के साथ मिलकर डिजाइन किया था। मां के निधन के बाद से वे और अशुल्ला इस घर में रहते हैं। यह बात अलग है कि अर्जुन घर में कम ही रुक पाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, मेरा ज्यादातर समय शूटिंग में निकल जाता है, इसलिए घर में बमुश्किल वक्त बिता पाता हूँ। अर्जुन ने अपने घर की दीवारों को पेंटिंग्स से सजाया हुआ है। अर्जुन की माने तो ये पेंटिंग्स उनकी मां मोना कपूर को बेहद पसंद थीं। उन्होंने कहा था, मेरी मां ने घर के इंटीरियर को डेकोरेट किया था और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई बदलाव किया जाए। अर्जुन कपूर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। अर्जुन के पापा बोनी कपूर बॉलीवुड के नामचीन प्रोड्यूसर हैं, लेकिन अर्जुन को बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अर्जुन अपनी मां की मौत को भूल नहीं पाए हैं। साल 2012 में मोना कपूर की मौत कैंसर से हो गई। अर्जुन की मां जैसे घर को सजा कर गई थी, उन्होंने आज तक वैसे ही घर को रखा है। श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर अपनी सौतेली बहनों के बहुत करीब आ गए हैं। खबर है कि जल्द अपनी बहन अशुल्ला, जाह्नवी और खुशी के साथ लंदन में हॉलीडे मनाने जा रहे हैं। अर्जुन कपूर फिलहाल अपनी फिल्म नमस्ते लंदन की शूटिंग में बिजी है, लेकिन अर्जुन की फिल्म की शूटिंग जब पूरी हो जाएगी को इसके तुरंत बाद वो अशुल्ला, जाह्नवी और खुशी के साथ छुट्टियां मनाने लंदन चले जाएंगे। आपको बता दें कि 24 फरवरी से पहले अर्जुन कपूर और बोनी कपूर की सेकंड फैमिली के बीच रिश्ता कोई खास अच्छा नहीं था। अर्जुन तो श्रीदेवी और उनकी बेटियों को अपने परिवार का हिस्सा तक नहीं मानते थे, लेकिन जब से श्रीदेवी इस दुनिया से गई हैं तब से अर्जुन कपूर ने सारी कड़वाहट भुलाकर श्रीदेवी की लाडली बेटियों को अपनी सगी बहन की तरह प्यार देने शुरू कर दिया है। अर्जुन आजकल लगातार जाह्नवी और खुशी से मिल रहे हैं। बोनी कपूर के सभी बच्चे आजकल एक साथ डिनर कर रहे हैं। श्रीदेवी चाहती थी कि अर्जुन कपूर के साथ उनके रिश्ते सामान्य हो जाए, इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की थी पर ऐसा ना हो सका। लेकिन अब श्रीदेवी के चले जाने के बाद अर्जुन कपूर को उनकी कमी का एहसास हुआ है। भले ही अर्जुन कपूर के लिए खुशी और जाह्नवी सौतेली बहनें हों, लेकिन अब श्रीदेवी के जाने के बाद अपनी बहन अशुल्ला के साथ वो उन दोनों को भी सगी बहन की तरह ही प्यार करने लगे हैं। जब श्रीदेवी का निधन हुआ है तब से अर्जुन एक बेटे और एक भाई होने के नाते आगे खड़े रहे हैं। परिवार से जुड़े लोगों की माने तो अर्जुन कपूर अपनी बहन जाह्नवी और खुशी के लिए काफी प्रोटेक्टिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वह अपनी जाह्नवी खुशी के लिए वैसा ही फील करने लगे हैं जैसा कि अपनी सगी बहन अशुल्ला के लिए। अब तक अर्जुन और उनकी बहन अशुल्ला ने अपने पिता के परिवार से अलग इंडिपेंडेंट लाइफ जी है, लेकिन अब अर्जुन को लगता है कि उनके पिता और उनके स्टेप सिस्टर्स को उनकी जरूरत है। इसके अलावा जाह्नवी धड़क की शूटिंग पर वापस लौट चुकी हैं। ऐसे में अशुल्ला कपूर अपनी छोटी बहन खुशी का बखूबी ख्याल रख रही हैं। बता दें कि बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर थी। अर्जुन मोना कपूर के ही बेटे हैं। मोना कपूर का साल 2012 में निधन हो गया था। कहा जाता है कि श्रीदेवी की वजह से मोना कपूर और बोनी कपूर अलग हुए थे। खैर अब अर्जुन सारे गिले शिकवे भूल चुके हैं।